हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। दिस इज़ उमेश सेंड्रा एंड आई एम गोइंग टू टीच यू सिस्टमेटिक इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास सेकेंड। द टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बच्चों, हर कोई भी टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा इस लेसन को शुरू करने से पहले। कोई भी टॉपिक है वो लेवल बाय लेवल, वो उसके जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो हार्डनेस है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं। टॉपिक वही होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लेवल फर्स्ट में, यानी क्लास फर्स्ट में भी आपने पढ़ा होगा, यही क्लास सेकंड में भी पढ़ा जा रहा है और क्लास थर्ड में भी, यानी आगे भी इसका लेवल बढ़ता चला जाता है। तो अब हम लेवल सेकंड की बात करते हैं। अगर आपने लेवल वन यानी क्लास फर्स्ट का डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का लेसन नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ें, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। केवल आपको टाइप करना है सेंड्रा एडवांस एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर लेवल वन यानी क्लास फर्स्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो आपको वीडियो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की लेवल वन की यानी क्लास फर्स्ट की मिल जाएगी। अब हम क्लास सेकंड में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को स्टडी करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी व्यक्तित्व को का वर्णन करते हैं, यानी डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। जैसे आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, ओके। आई एम इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हूँ, यानी मैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा हूँ। ऐसी किसी और की पर्सनैलिटी के बारे में बताएं, या किसी वस्तु के, किसी भी थिंग के बारे में बताएं, तो कुछ उस थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके लिए बारे में समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे शर्ट है, शर्ट के बारे में अगर कहें कि दैट इज़ ब्लू शर्ट, वह एक ब्लू शर्ट है, तो वो शर्ट कैसी है, उसको क्या क्या वर्णन किया गया, उसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया हमने, वो कैसी है, ब्लू है, राइट। ये व्यक्ति बहुत लंबा है, दिस मैन इज़ वेरी टॉल। ये टॉल वर्ड क्या है, ये एक उसके व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है। तो पढ़ते हैं इस लेसन में कुछ सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं, तो ये बात एक जो इस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द कलर्ड वर्ड्स। इन सेंटेंस आप पढ़ें और जो कलर्ड वर्ड हैं उनको ज़रा ध्यान से, उनको उनकी तरफ अटेंशन देते हुए आपने पढ़ें। द कैट इज़ हंग्री, बिल्ली भूखी है। रीताज ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, रीता की ड्रेस बहुत खूबसूरत है। द पिकॉक हैज़ कलरफुल फेदर्स, मोर के पास कलरफुल फेदर होते हैं। देयर इज़ ए क्लेवर फॉक्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में एक बहुत चतुर फॉक्स है, क्लेवर फॉक्स है। द रोबोट इज़ बिग, रोबोट बड़ा है। द कलर वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये वर्ड्स जो कलर्ड वर्ड हैं, रेड कलर में हैं, ये सब क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। जैसे कैट कैसी है, हंगरी है। रीतास ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल है। पीकॉक के कैसे फीदर होते हैं, कलरफुल होते हैं। देयर इज ए फॉक्स इन द फॉरेस्ट, और फॉक्स क्लेवर है। रोबोट इज बिग, रोबोट क्या है, बिग है। ये तमाम वर्ड क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, किसी वस्तु के बारे में, पर्सन के बारे में, एक प्लेस के बारे में ये वर्णन कर रहे हैं, उनके उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कैसा है। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द कलर, साइज, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जो नेमिंग वर्ड होते हैं, नेमिंग वर्ड्स के कलर को, साइज को, नंबर को या क्वालिटी को, जो शब्द, जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, उसको वर्णित करते हैं, वही क्या होते हैं, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। दे आर एडजेक्टिव्स, ये एग्जेक्टिव भी होते हैं, इन्हें एग्जेक्टिव भी कहा जा सकता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को अगर हम दूसरा शब्द कोई प्रयोग करना चाहें तो उनको एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं।
बच्चों एक यहाँ पोयम दी हुई है, फनी पोयम इज देयर। लेट अस हैव फन विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, चलो फन करते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के साथ। और डिनर वाइल डाइनिंग एट ए क्रू फाउंड क्वाइट ए लार्ज माउस इन हिज स्ट्यू, सेड द वेटर डोंट शाउट एंड वेव इट अबाउट और द रेस्ट वुड बी वेटिंग वन टू। इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है, अगर इस पोयम को हम पढ़ें तो डिस्क्राइबिंग वर्ड है लार्ज माउस, बड़ा सा चूहा, राइट, बड़ा चूहा। इसमें लार्ज जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिड यू फाइंड एनी डिस्क्राइबिंग वर्ड इन दिस पोयम, क्या आपको इस पोयम में कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड नजर आता है? यस इट इज लार्ज, और ये क्या है, लार्ज है। एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों, चूजिंग सुटेबल डिस्क्राइबिंग कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें चूज करके सेंटेंसेस के अंदर इन्हें फिल करना है। पहला इंटरेस्टिंग, सेड, लवली, रेड, बिग, फॉर, न्यू, ब्लू, वाइट, फैट, डिलीशियस, टेन डेमोस हैं और टेन यहाँ परसेंटेंसेस हैं। परसेंटेंसेस, द बेबी इज फोर मंथ ओल्ड, यहाँ पर फोर वर्ड का यूज किया है, बेबी क्या है, चार महीने का है। द केक इज डिलीशियस, द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, roses are red and white, the fat man is selling fruit, aditi has bought a new car, the little boy is playing with a big football, the boy is blue, the boy in blue shirt is my friend, chuck chuck is my lovely hen, ajit is feeling sad। तो जितने भी ये वर्ड थे डिस्क्राइबिंग थे, इनको हमने इन सेंटेंसेस में यूज़ किया। बच्चों ऐसे ही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है, इसे आप कंप्लीट करेंगे अपनी बुक से। और अगेन एक बार फिर मैं डिस्क्राइबिंग वर्ड को दोबारा से बताना चाहूँगा। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, यानी किसी भी नेमिंग वर्ड्स का, किसी भी नाउन के बारे में, क्या उसके कलर को बताते हैं, साइज़ को बताते हैं, नंबर या क्वालिटी को बताते हैं। वो शब्द सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। और बच्चों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को अगर दूसरा कोई नाम हम देना चाहते हैं तो वो एडजेक्टिव भी कहे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने कुछ इससे सीखा, तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बी विद मी।